तो यहाँ पर मटन बनाने की तैयारी हो रही है। मटन को साफ़ किया जा रहा है, जो चर्बी है उसकी वाइट वाली, ये फिश की रेसिपी काफ़ी बार देख चुके हो गए, ऑलरेडी बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, हमें इतनी ही बनाई है। और आज जो रेसिपी है मटन की रेसिपी है, तो पूरा वीडियो आप देखो, मटन कैसे बनना है। फिश भी है लेकिन फिश की ऑलरेडी है रेसिपी ऑनलाइन। आज जो है ये वीडियो जो है वो मटन की रेसिपी का वीडियो बनेगा। यहाँ पे मटन साफ़ हो रहा है, इसकी चर्बी है वाइट वाली वो निकाल के साइड में रख रहे हैं और मटन वहाँ पे रख रहे हैं। ये चर्बी ये ऐसे काटा जा रहा है। तो मैं हूँ, मेरे साथ में अमित है जो बनाने वाला शेफ मेन, और यहाँ पे सुकेश। तो मटन बनाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे टमाटर लिए हुए, 4-5 टमाटर कटिंग हो रहे हैं, और ये है मटन। यहाँ पे हमने लिए 4 ऑनियन मीडियम साइज़ के, और यहाँ पे थोड़ा बहुत गार्लिक लिया हुआ है। यहाँ पे मसालों के लिए ये थोड़े हमने खड़े मसाले लिए हुए, रेडीमेड आ जाता है ये, आप देख सकते हैं। ये डालेंगे इसको इसके अंदर मटन बनाने में। तो जो मटन है हम कढ़ाई में बनाने वाले, ये बाजू ये क्या है, प्रॉन्स के लिए, ठीक है। ये कढ़ाई में मटन बनाने के लिए भूनना है, पहले कांदा डाला हुआ है, साथ में डाले खड़े मसाले और भूनना है, और इसको अच्छी तरह से भून के थोड़ा रेड करेंगे, इसको रेड ब्राउन जब तक नहीं होगा तब तक चलाते रहेंगे। इसमें जो मसाले हम मीट के लिए है, मटन के लिए हमने मंगाया मीट मसाला एवरेस्ट का, दोनों जन लग गए एकदम फास्ट फास्ट काम चालू है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये वाली पेस्ट उसमें ऐड कर रहे हैं, ये जा रहे इसमें लहसुन, लगभग मेरे ख्याल से 7-8-10 लहसुन होंगे। थोड़ा पानी ऐड किया है ताकि वो नीचे से भी जले नहीं और मसाले को भी जलाए नहीं। ये इसकी भुनाई जितनी अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे करोगे उतना अच्छा स्वाद आएगा। इसको अच्छी तरह से भूनना है हमें, जब कांदा देख सकते हैं कलर एकदम मस्त है, जब तक भून रहा है यहाँ पे कांदा तब तक आप लोग जाओ और सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक कर दो। ना जल्दी कर यार। सो भी मटन डाल रहे हैं इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मटन को मिक्स कर देना कांदे के साथ में, और ये जो बना है भुना प्रॉन्स सुपर जबरदस्त। तो मटन हमने यहाँ पे डाल दिया, हमें जिसको बनाने को कितना टाइम जाएगा मटन को, वन आवर। वन आवर के बाद आके देखो डोले क्या बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे जा रही है हल्दी चली गई है, मिक्स कर रहे हैं, और जब तक ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ बार बार, बहुत ज़बरदस्त बना है भुना प्रॉन्स लाल मिर्च। अभी गई है लाल मिर्च, ये तीखी वाली नहीं है, देखी होती है ना, नहीं देखी नहीं, कश्मीरी में, कश्मीरी में लाल कलर की। मटन
मक्खन बनाने के लिए एक आदमी आपको चाहिए कम से कम, वो रेगुलर पूरा कंटिन्यूसली हिलाते रहे, और दूसरा आदमी दूसरा आदमी मसाला डालते रहे, मजाक कर रहा हूँ। वैसे इसको आपको हिलाते रहना है जब तक ये नीचे लगे ना, करछी डालते रहिए, घुमाते रहिए इसको। मीट मसाला तो चला गया, मीट मसाला तो थोड़ा मसाला नीचे लग रहा था जिसकी वजह से थोड़ा पानी ऐड किया, मसाले ऐड किए ना तो जलने भी नहीं चाहिए, इसके लिए पानी डालते जम जाएंगे। हाँ तो मसाले नीचे लग रहे थे ना, मतलब जो बर्न के वजह से मसाले नीचे लगे ना, इसके लिए थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो आप स्टर करने के बाद, एक्चुअली स्टर करना बोलते हैं उसको हिलाने को, तो स्टर करने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर पकने के लिए रख दिए स्लो फ्लेम पे, मतलब मीडियम फ्लेम पे, और ढक दिए। इसको लगभग अभी मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट तक हमने इसको ऐसे ढक के रखना है ताकि मटन जो है वो अंदर पक जाए। थोड़ा थोड़ा बीच में निकालेंगे, उठाएंगे कवर को और मिक्स करके फिर से छोड़ देंगे, ऐसे ढक देंगे, और ये लगभग कम से कम भी मेरे ख्याल से 45 मिनट्स तक पूरा समय लेगा बनने के लिए। इसके बाद में और भी कुछ चीज़ें ऐड होंगी वो आपको बताते हैं आगे, तब तक आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तो इसमें दो टमाटर भी ऐड हो चुके हैं, 2 से 3 टमाटर ऐड हो चुके हैं। अभी इसको करेंगे तरी वाला बनाने के लिए, पानी यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें। तो ये पानी ऐड कर दिया, इसको फिर से खोल के घुमा रहे, अभी भी टाइम बाकी है। तो मटन में अभी पानी जो है ऐड कर दिया, और इसको अभी वापस से कुक करने के लिए छोड़ दूँगा। अच्छे से ढक देना और कुक करने के लिए छोड़ देंगे इसको, धीमी आंच पर मीडियम फ्लेम पे लग दो। तो मटन कुक करने के लिए टाइम काफ़ी लगता है, तो वो हिसाब से टाइम लग रहा है इसमें भी। तो फाइनली अभी अपने अंत में आ गए सुकेश, मटन का फाइनल लुक देखो यार, ज़बरदस्त है, सुगंध जो आ रही है ना ज़बरदस्त। विदाउट कुकर, हाँ विदाउट कुकर इसमें पकाया हमने कढ़ाई में, बट यार मटन की जो खुशबू आ रही ना लाजवाब एकदम ज़बरदस्त। मैं भी थोड़ा सा इसमें कढ़ाई मार दूँ, हाथ मार दूँ। ओहो हो देखो यार, फाइनली अपना मटन जड़ा ना पक चुका है, तो हमें दिखाना है इधर, रेशे देख सकते हो बाहर कर लेंगे, सुपर। इसको तोड़ा और ये हाथ में जबरदस्त। तो फाइनल स्टेज हो चुका है अभी, और इसको है अभी टेस्ट करने की बारी। लगभग मेरे ख्याल से 45 मिनट बोल रहे थे, ज़्यादा ही लग गया होगा, 1.5 घंटा लग गया होगा बनाने में, लेकिन अब जो बन के फाइनल रिजल्ट आ रहा है ना वो सुपर आ रहा है। देखो सब अलग जो हो गया है, हड्डी के ऊपर से सब अलग हो रहा है। तो अब जो फाइनल पार्ट आ रहा है इसमें, वो आ रहा है दही डालने का। इसमें ऐड करेंगे दही, तो जो टेस्ट है और क्रीमी हो जाएगा। वाह 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 वाह, जबरदस्त। ओहो कलर आ गया एकदम जबरदस्त,
बस अब इसको निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। तो फाइनली मेरे हिसाब से गरम मसाला थोड़ा सा, जैसे अमित बता रहा है जो मेन शेफ है हम लोग का, वही बता रहा है कि गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करना बाकी है, तो वही इसमें फाइनल ऐड करेंगे। क्योंकि दही ऐड कर दिया है तो इसमें हल्का सा कुछ ना कुछ कम रहेगा, तो वही हिसाब से गरम मसाला भी ऐड करना। इस तरह से बनाओ, मज़ा आ जाएगा। टाइम लगेगा मटन बनाने में क्योंकि कढ़ाई के ऊपर बनाते हैं, नहीं तो कुकर में जल्दी बन जाता है। तो अभी निकालते हैं इसको और टेस्ट करते हैं। जो मटन है वो रेडी हो चुका है और टेस्टिंग का टाइम हो रहा है। तो अभी टेस्ट करने का टाइम है मटन को। मटन आप देख सकते हो एकदम पक गया, जो रेशे है ना मटन के वो बाहर आने लग गए, मतलब रेशे कट करते ना रेशे दिखते हैं उसके। फर्स्ट अन्ना टेस्ट कर रहा है और बताएगा। यम्मी। तो खुद जो शेफ है उसकी बारी है टेस्ट करने की। अमित एकदम फर्स्ट क्लास कर चुका है। हाँ इट्स रेडी टू ईट। रेडी टू ईट, अभी मेरी बारी है, मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो रेशे जो मैं बोलूँ ना, ये रेशे दिख रहे हैं इसके। एक मिनट में थोड़ा सा कैमरे को, जो रेशे दिख रहे हैं, देखो रेशे दिख रहे मटन के, ज़बरदस्त पक चुका है पूरा का पूरा, एकदम ज़बरदस्त पक गया है यार, मज़ा ही आ गया है। तो टेस्ट अभी मेरी टेस्ट करने की बारी है। बहुत गर्म होएगा, सुपर बने है एकदम। हो सकता है थोड़ा बहुत मसाले वगैरह का आइडिया नहीं दिया होगा मैंने, कितना डालना है कितना नहीं डालना है, लेकिन आप लोगों ने देखा क्या क्या डाला है और क्या क्या किया है, कैसे बनाए। टाइम बेशक थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन बना जो है ना ज़बरदस्त बना है। इस तरीके से बनाओ और खाओ और इन्जॉय करो लाइफ को, मज़ा आने वाला है। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, सत श्री अकाल, बाय।